गुड मॉर्निंग एवरीबडी, कैसे हैं आप लोग सब। तो मेरी डेली रूटीन यही है कि सुबह सुबह उठता हूँ, जब मैं पहले मैं अपना प्रोटीन शेक पीना पसंद करता हूँ। यूजुअली मैं स्ट्रॉबेरी, एप्पल, बनाना और प्रोटीन शेक, ओट्स डाल के बनाता हूँ। बट आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ तो आज मैंने फटाफट एप्पल मिल्क शेक बना लिया प्रोटीन के साथ। इसको पीते हैं, फटाफट चलते हैं यहाँ से और आपको बताते हैं कि जाना कहाँ। इसको देख कीवी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कीवी। गुड मॉर्निंग, चलें कीवी, जाना है कि नहीं? ठीक है, आज की जो हवा है ना, -2 हो गया, -2, बहुत ज्यादा ठंड है आज। That's a Sony A7S3. Yeah. Hi, thank you. तो पहले अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेपल्स, और स्टेपल्स पे जाके एक जेरोक्स निकालना है। पेपर वर्क हाथ में चाहिए क्योंकि ये मैडम है ना, इसको हम आज डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं क्योंकि चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है। बेजुबान जानवर है, कुछ बोल नहीं पाता, अगर कुछ तकलीफ है तो समझ में आ जाएगी हमें। राइट कीवी, कैप्चर कर लिया मैंने उसने पट्टी के तरफ। तो ये रहा स्टेपल्स, पहले स्टेपल्स पहुंच गए। तो यहाँ पर सब कुछ खुद ब खुद ही करना पड़ता है ना? तो यूजुअली अभी के टाइम पे तो सब जगह पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो सारे मतलब पेपरलेस होते हैं, बट पता नहीं क्यों उन लोगों ने बोला है कि हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आप ला सको, तो इसीलिए हम लोग हमें यहाँ से निकालना पड़ रहा है, वरना तो पेपरलेस ही चलता है सब जगह। चलो फटाफट हो गया काम यहाँ का। तो हर मस्त हवा चल रही है आज यार, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है आज। इनफैक्ट आप लोग को याद है वाला चश्मा डॉल्चे गबाना का, ये मैंने इससे चिपका दिया, ये लोहे को भी चिपका देता है। कोशिश की है, देखते हैं, पर इसको ना बड़े प्यार से पहनना पड़ेगा, ज़्यादा आनाकानी करूँगा ना तो ये भी टूट जाएगा। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना, बराबर है? परफेक्ट है, पता नहीं चल रहा है कि टूटा हुआ था। अच्छा, तो मैं मेरा ये एविएटर पहनता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट ये भी ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा धूप होती है ना तो इसका जो ग्लास है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा टिंट होता है। और जब से कीवी को लिया है ना उसको डॉक्टर के पास दिखाया नहीं है, तो अभी मुझे भी पता नहीं था। रेशमा ने अपॉइंटमेंट ले ली इसकी, तो बोल रही थी आज सुबह सुबह चलो तो जल्दी मैं भी उठ जाता हूँ। तो उठने के बाद हम लोग दोनों निकल गए, अभी घर से कुछ आधा घंटा दूर है। मैं से एक उसका पूंछ है ना ये, पर ये उसने तोड़ दिया, उस दिन खेल रही थी मेरे साथ तो टूट गया ये। तो अभी ये भी दिखाना है कि क्या सीन है बेचारी। अच्छा चश्मा ये बुरा नहीं है यार, एकदम फ्यूचरिस्टिक है, रोबोकॉप। अरे तो पूरा लाल दिखा रहा है, मतलब कि फटे ट्रैफिक होने वाला है यहाँ पर, दिख रहा है क्या आपको? मैं यहाँ के बारे में एक बात बताता हूँ कि ना यहाँ पर ट्रैफिक किस चीज़ का होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है नॉर्मल ट्रैफिक, सिग्नल लग गया, ट्रैफिक लग गया इसलिए ट्रैफिक होता है। आजू बाजू में ना कोई गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो गया, ठुक गई ना, वो देखते देखते जाएंगे लोग, अरे क्या हो गया, उसकी वजह से ट्रैफिक होता है। वरना यहाँ पर ऐसा ट्रैफिक होता नहीं ज़्यादा, थोड़ा बहुत जो ट्रैफिक होता है ना वो रोड कंस्ट्रक्शन होता है ना उसकी वजह से होता है। जैसे अभी यहाँ पर आगे वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन चालू है। पहुँच गए ना? पहुँच गए। ये रहा एनिमल हॉस्पिटल। डाल दे क्योंकि ना भागेगी उड़ेगी ना तो तकलीफ होएगा सबको। डाल दे डाल दे, कोई बात नहीं, कीवी बैठ जा बैठ जा, कुछ नहीं होता। फॉर अ सेकंड, ओके। हां चल चल चल। तो पहले तो यहां की अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही थी, 3 महीने बाद की अपॉइंटमेंट दे रहे थे, बट फिर फाइनली हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि यार दे दो तो अच्छा रहेगा, तो उन्होंने आधे घंटे का हम लोग को स्लॉट दिया। तो अभी यहां पर आके सब पेपर वर्क करने का है। डोंट बी स्कैर्ड, नो गो इनसाइड, गो गो। ओह
वो डर गया बेचारा। आजा बेटा अंदर, टीका लगाएंगे तेरी गुंडी बिच। जा। Everybody is scared of doctor. सब लोग डॉक्टर से डरते। डिलीवरी इसको भी डर गई शायद, बॉक्स के अंदर डाल, कभी बॉक्स के अंदर डाला नहीं ना उसको। तो इस जगह का नाम ये है क्वींस ऑर्चर्ड वेटरनरी हॉस्पिटल। अच्छी जगह है। Okay, and she needs a physical for Kiwi को अंदर लेके गए हैं। दुख 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 वापिस हो रहा है। बच्चा स्कूल जाता था, उसकी माँ देखती है कि क्या है मेरा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है। काफी देख रही है। काफी बड़ा है। I'll ask the doctor. I'll ask the doctor to see what his thoughts are. Yeah. Okay. Hang tight, just a second. Yeah. Sure. तो अभी ये लेडी आई थी, पूछ रही थी कि अगर आपको उसके नाखून कटवाने, तो तूने बोला हाँ बोला। हाँ ठीक है, थोड़े नाखून कट जाएंगे, उसकी चोच भी थोड़ी सी ऐसा पॉलिश करा दो, बहुत काटती है यार। सुई जैसी हो गई उसकी चोच। गाली देती रही है कीवी। सालों कुत्तों क्या बोल रहे हैं, कहाँ छोड़ के चले गए। बहुत मस्त, एकदम बड़ी स्पेस है इस जगह की, देख लो। मस्त बैठने बैठने का भी अच्छा जगह है। हाँ हाँ, बैठने के लिए भी अच्छी जगह दी है हम लोग। लोग यहाँ पर गाड़ी में आते और डॉग्स को यहाँ से भेज देते। हाँ, तो मुझे ना एक बात आप लोग से शेयर करनी थी। आप लोग इंस्टाग्राम पे आते हो, मुझे फॉलो करते हो, वहाँ पर बहुत लोगों से मेरी बातें होती हैं, मज़ा आता है मुझे। इनफैक्ट डायरेक्ट जब कांटेक्ट होता है ना, तो एक ऐसा अलग फील आता है। बहुत सारे लोगों से मेरी डेली बात होती है इंस्टाग्राम पे, बट ऐसा होता है ना कि दिन के ना बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं, कभी कभी मैं मैसेज को रिप्लाई नहीं कर पाता। और जब मैं आपको मैसेज का रिप्लाई करता हूँ ना, तो प्लीज़ वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मत मांगो। मेरा मोबाइल नंबर है ना, वो मेरी कंपनी के काम के लिए और मेरे फैमिली के यूज़ के लिए। ऐसा मैं मतलब इंडिया में बहुत कम लोगों को मैंने अपना नंबर दिया हुआ। मोस्टली लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ही कॉन्टैक्ट करते हैं। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। क्यों, क्या होता है ना, क्यों नहीं देता मैं व्हाट्सएप नंबर, उसका एक रीज़न है। क्योंकि जब आपके वहाँ पर सुबह होती है, मेरे यहाँ पर रात होती है, तो रात को तो मुझे सोना होता है। और जब भी यहाँ पर मैं रिप्लाई करने का टाइम आता है, तो वहाँ पर आपकी रात हो जाती है, तो बात नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं नंबर किसी को भी नहीं देता, ज़्यादातर लोगों के साथ मेरे ईमेल पे या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट होता है। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करना है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आई डी, वहाँ पर भी आ जाओ, वहाँ पर मैं बहुत सारे अपडेट देता ही रहता हूँ। और प्लीज़ बुरा मत मानना अगर मैं कभी आपको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि यार मुझे भी मेरा काम रहता है कभी, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पाता। बट इतने सारे पोस्ट डालता हूँ मैं, वीडियोस डालता हूँ आप लोग के लिए, तो डालता हूँ, आप लोग वहाँ पर आके कमेंट्स करते हो, तो सारे कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। Really, really nice bird. You guys have done a great job with it. Yeah. Good condition, right? Oh, perfect. Yeah, and really, really nice bird. I mean, very sweet. You guys have done a great job. Yeah, well, because I've never kept her in cage. Right. Very Thank good. You so much. You're welcome. Okay. चलो, गुड न्यूज़ ये है कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि यार तुम लोगों ने बर्ड का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखा, बहुत ही अच्छी बर्ड है, उसकी कंडीशन भी बहुत ही एकदम 10/10 है। Okay, here's his. We got the nails done, the restraint and the band removal. Right? Okay. We're ready to go. साला यहाँ पर जितना इसके इलाज का खर्चा ना, उतने में ऐसे ही दो आ जाएंगे इंडिया में। कितना हो गया? 10,000 रुपए इंडिया में नहीं लगे। बट कोई बात नहीं, करना पड़ता है। हमारी छोटी सी बड़ी। चलो हो गया, ऐसे एक चेकअप के लिए आए थे, पर चेकअप भी एकदम सक्सेसफुल हो गया। यहाँ से निकलते हैं। That's it. Yeah, can I get a glass of water also, please? Sure. Thank you. Usually ऐसे order नहीं लेते हैं वो लोग आके, अचानक से वो भाई साहब बाहर आके order ले ले। बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हैं ना, ये time ऐसा ना सब लोग को भूख लगती है दोपहर के time पे, 12:30 बज गए। सोच रहे थे कि बाहर जाएंगे, बट फिर ख्याल आया भाई इतनी ठंडी है ना, सुखड़ जाएंगे, इसलिए गाड़ी में बैठे रहो। क्या लेकिन व्यू है यार। अच्छा है कि मतलब ठंडी तो बाहर है, बट अंदर हीटर लगे हुए हैं, तो मस्त गरम गरम फील होता है जैसे अंदर आते हैं। वापस से रोहन मिल गया हम लोगों को खाना खाते वक्त। रोहन भाई, खाना मैं खाना खाते हुए और खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए और बर्तन धोते हुए मिलता हमारा घर का, बहुत मेहनत।
बहुत ही मेहनती लड़का है। अगर आपको कुछ बोलना है रोहन को तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और क्या खा रहा है भाई? फिश है, दाल चावल है। दाल चावल और फिश है, फिश फ्राई। इंजॉय। तो अपनी घर वाली चिड़िया को तो अच्छे से ख्याल रखते हैं, बट जो बाहर वाली चिड़िया है ना, उनका भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने दाना डाला हुआ था थोड़ा। ठंड बहुत ज़्यादा है तो आके खा लेंगे, अभी पानी भी डाल देता हूँ इन लोग को। चलो गरम गरम पानी। आजा कीवी, आजा, तू भी आजा। ये रहा पानी और ये रहा दाना और ये रही कीवी। गुड जॉब। तो ठीक है, इस ब्लॉग को इधर तक ही रखता हूँ। कीवी मस्त है, हम लोग मस्त हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, साथ ही साथ वो बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं लाइव आता हूँ या नई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप लोग मेरा वीडियो देख लोगे एंड आई विल हाईली अप्रिशिएट दैट। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक और कॉमेंट तो बनता ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग। आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ बी सेफ। बाय ब्रो, एंजॉय योर फूड। थैंक यू।